इंदौर से हरदा किसानों के कार्यक्रम में जाते समय बागली के चापड़ा चौराहे पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का बागली के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। पटवारी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि वह किसान को 3000 प्रति क्विंटल गेहूं का भाव नहीं दे सकते हैं तो कुर्सी छोड़े, नई सरकार किसानों को 3000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव देगी। इस दौरान जीतू पटवारी ने किसानों की बात रखते हुए कहा कि मैं किसानों के गेहूं का भाव 3000 रुपए करवाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर शिवराज सिंह चौहान गेहूं का भाव 3000 रुपए करते हैं तो उनका भी धन्यवाद। साथ ही मीडिया से चर्चा करते हुए भाजपा की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा की सरकार में अगर कोई मंत्री या विधायक प्रश्न करता है तो उन्हें विधानसभा सत्र से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। आज जो ये दौरा किया जा रहा है तो क्या उद्देश्य है? ऐसा है, तीन बात बहुत महत्वपूर्ण है। देश में महंगाई है, ये सबको पता है, सर्वविदित है, हर आदमी इससे पीड़ित है। जब महंगाई सब दौर में बढ़ी तो किसानों को भी इसका असर हुआ है, तो जगह महंगाई की राहत की बात होती है। किसान को महंगाई की राहत की बात क्यों नहीं होती है? जब खाद के दाम बढ़ गए, जब बीज के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, जब रासायनिक के दाम बढ़ गए, जब मजदूरी के भाव बढ़ गए, कैसी विडंबना है कि सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि एक व्यक्ति को खाने के लिए रोज 60 रुपये चाहिए। सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि एक मजदूर को मजदूरी आप 285 रुपये से कम दे ही नहीं सकते, कानून है। और फिर सरकार के ही आंकड़े ये कहते हैं कि किसान रोज 27-28 रुपये कमाता है। तो ये सरकार के ही आंकड़े कहते हैं कि किसान के साथ अन्याय हो रहा है। किसानों की फसलों के दाम सरकार को निश्चित करने पड़ेंगे, खासकर अनाज के दाम। 3000 रुपये कुंटल अनाज के दाम मिलने चाहिए, गेहूं के दाम 3000 रुपये कुंटल मिलना चाहिए। ये पार्टियों की बात नहीं है, ये किसान की बात है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के किसानों से भी अनुरोध करता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, वो आपका मन है, आपका अंतर मन की इच्छा है, पर किसान के हित की बात होगी तो आप भी तो किसान हो, आपके हित की बात भी होगी। तो ये पार्टियों से ऊपर का मुद्दा है। शिवराज जी, किसानों के 3000 रुपये कुंटल के रेट दो, अन्यथा कुर्सी छोड़ो, नई सरकार आएगी वो देगी। और कोई इसको कहता है ये राजनीतिक भाव है तो ये समझो है, राजनीति में काम करने वाले आदमी की व्यक्ति का हमेशा ये भाव होता है कि वो अपने हित के, अपने लोगों के हित के लिए काम करे। मैं किसान की औलाद हूँ, किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी रोज खेती करते हैं, मैं उस खेती को जीता हूँ, हमारा घर, हमारी रोटी रोजी धरती माँ देती है। तो इन किसान भाइयों की मैं बात नहीं करूँ तो कौन करे? जैसे ही मैंने ये बात की मुझे निलंबित कर दिया, ये मुझे विधानसभा से हमेशा के लिए भगा दें, तब भी यही बात करूँगा कि 3000 रुपये कुंटल के भाव दो, देने पड़ेंगे, देना चाहिए कि देना चाहिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।